नमस्ते छात्रों, लास्ट वीडियो में अपन ने सिंचाई के बारे में पढ़ा था। आज सिंचाई की परिभाषा एक बार वापस देखते हैं, फिर इसकी वीडियो के बारे में पढ़ना अपने को। सिंचाई किसे कहते हैं? पौधों को पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। अब जो अपने को पढ़ना है सिंचाई की आधुनिक विधियां। सिंचाई की आधुनिक विधियां दो प्रकार की होती है। पहली होती है अपने पास छिड़काव तंत्र विधि और दूसरी होती है ड्रिप तंत्र विधि। छिड़काव तंत्र विधि के अंदर क्या होता है और ड्रिप तंत्र विधि के अंदर क्या होता है? छिड़काव तंत्र विधि के अंदर इस विधि का प्रयोग अपन असमतल भूमि जहाँ पानी अगर सही तरह से नहीं पहुंच पाता जिस भूमि में इस विधि का ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक खेतों के अंदर पाइपलाइन डालते हैं अपन, ये जैसे पाइपलाइन डाल दी और जगह जगह पर फुहारे लगाए जाते हैं और जैसे एक पाइप से दूसरे पाइप के बीच में एक फुहारा सेट कर देते हैं अपन और यहाँ से ये फुहारे से पानी जाता रहता है इधर उधर इधर तक आता है इसे। फिर वापस ये जो फुहारे से पानी जो प्रेशर होता है ये कम से कम 20 फीट के एरिया तक का चारों तरफ का एरिया कवर करता है। 20 फीट के चारों तरफ का एरिया कवर करता है और इसमें जो पानी की कम मात्रा होती है तो बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर इससे अपन सिंचाई कर सकते हैं। और ये इसके अंदर फुहारे होते हैं जो चारों तरफ घूमते रहते हैं, इसके नोजल लगे हुए होते हैं ऊपर लोहे के जो चारों तरफ घूमते रहते हैं और पानी चारों तरफ घूमता जाता है और रहता है। इसके अंदर जो अपन इस विधि से जो सिंचाई की जाती है इस विधि से ज्यादा दिन तक ये गीला नहीं रहता है, वापिस सूख जाता है। और इसके बारे में वो कुछ देख लेते हो। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, यानी जो जगह समतल नहीं हो उसके लिए किया जाता है। फिर जहां पर जल की कम मात्रा उपलब्ध हो छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग वहां होता है जहां पानी कम मात्रा में उपलब्ध हो अपने को, और फिर उसको अगर खेत खेत के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना हो तो इस विधि का काम में लेते हैं। नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे हो, जैसे यहाँ जो नल होते हैं ये अपने फुहारे होते हैं, इसके ऊपर नोजल लगे होते हैं जो चारों तरफ घूमते रहते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइपों में भेजा जाता है तो घूमते हुए नोजल बाहर पानी निकालते हैं। इसके बाद इससे ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा हो रही हो, इससे जो पानी जो छिड़काव होता है ना तो वर्षा के जैसा लगता है अपने को, और इसी विधि को अपन छिड़काव तंत्र विधि कहते हैं। दूसरी विधि देर की अपने को ड्रिप तंत्र विधि। ड्रिप तंत्र विधि में क्या होता है, इस विधि के अंदर जल बूंद बूंद कर पौधों की जड़ों की साइड जड़ों में गिरता है। जैसे यहाँ पर ड्रिप का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार की नलियां होती है जो पौधों की अपन बिल्कुल जड़ों के अंदर डालते हैं। जैसे ये कोई पौधा है, इसके यहाँ ये नलियां डालते हैं अपन, ऐसे नली निकाल देते हैं इसके बिल्कुल जड़ों में। फिर ऐसे इस प्रकार की व्यवस्था होती है इसके अंदर। इस विधि में जल बूंद बूंद कर सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप तंत्र के यानी पौधों की जड़ों में सीधा जल गिरता रहता है, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। यह फलदार पौधों बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। सर्वोत्तम यानी बहुत अच्छा तरीका है, यानी इससे क्या होता है कि केवल पौधे पौधे को ही पानी मिलता है, फालतू की जो जमीन होती है ना आसपास की सारी जमीन को अपने को पिलाई नहीं करनी पड़ती, यानी जिस पौधे को पानी पिलाना उसी की जड़ों में डालते हैं तो सीधा उसी पौधे को मिलता है और पानी की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता, यानी व्यर्थ बिल्कुल नहीं होता है। इसके बाद पानी को देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधे को बूंद बूंद कर जल प्राप्त होता है। इस विधि में बिल्कुल जल व्यर्थ नहीं होता, ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है, यानी जहाँ पानी की कम मात्रा है वहाँ वरदान है। उसके बाद अपने को आगे वाला जो टॉपिक पढ़ना वो पढ़ना खरपतवार। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है खरपतवार। खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार किसे कहते हैं? जो फसल होती है फसल के साथ विभिन्न प्रकार के अन्य पौधे उगते हैं या अवांछित पौधे उगते हैं जिससे अपन बोते नहीं फिर भी वो उग जाते हैं, उससे अपन
खरपतवार कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फसल के साथ उगने वाले विभिन्न प्रकार के अवांछित, यानी जिसे अपन चाहते नहीं फिर भी वो उग जाते हैं, अवांछित पौधे जिन्हें खरपतवार कहते हैं। फसल के साथ उगने वाले विभिन्न प्रकार के अवांछित पौधे जिन्हें खरपतवार कहते हैं। अब ये खरपतवार की तो हुई परिभाषा, अपने को पढ़ना क्या, खरपतवार से सुरक्षा, यानी इसकी सुरक्षा अपन कैसे कर सकते हैं, यानी खरपतवार को अपन कैसे हटाते हैं। जो खरपतवार को अपन हटाते हैं उसे निराई कहते हैं, यानी इसको भी लिखना अपने को, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं, यानी पौधे में से जो अपन ये अवांछित चारा या खरपतवार होता है इसे अगर अपन हटाते हैं तो इस प्रक्रिया को निराई कहते हैं। अपन ये खरपतवार हटाते क्यों, इसका एक कारण है, जब अपन पौधे के साथ अवांछित पौधे उगते हैं खरपतवार के पौधे, तो अपन जैसे कोई खाद डालते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व तो अपन फसल को देते हैं, तो ये पोषक तत्व तो फसल तक ना पहुंच पाते क्योंकि ये खरपतवार उन्हें उनका अवशोषण करने लग जाते हैं। जब अपन इन खरपतवार को अगर हटा देते हैं तो जो अपन पोषक तत्व या खाद या उर्वरक कुछ भी देंगे वो सीधा फसल को तक ही पहुंचेगा, यानी फसल तो अपने को पहुंचाना होता है तो वो फसल तक सीधा पहुंच जाएगा। अगर बाकी नहीं हटाएंगे तो सारी चीजें इनको लग जाएगी और इनमें वृद्धि हो जाएगी, यानी खरपतवार में वृद्धि हो जाएगी, यानी खरपतवार को अपने को हटाना जरूरी है। उसके बाद अगर खरपतवार हटाने के लिए अपन विभिन्न प्रकार की जैसे रासायनिक दवाइयों का प्रयोग भी करते हैं, उससे अपन खरपतवार नाशी कहते हैं। ये परिभाषा भी लिख लेते हैं, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। और उदाहरण है इसका 2,4-D। इधर देखना ऑफिस, अपन देखते हैं रसायनों के उपयोग से। मैंने बोला था जैसे विभिन्न प्रकार की रासायनिक दवाएं आती है, उस दवाइयों को अगर अपन फसल के अंदर छिड़कते हैं तो फसल पे कोई असर नहीं होता और सीधा जो खरपतवार राशि होता है, यानी खरपतवार होता है उसके ऊपर ये दवाई गिरती है और उससे जो खरपतवार होता है ये खत्म हो जाता है, यानी खरपतवार का जो अपन विनाश कर देते हैं, तो इसे अपन खरपतवार नाशी कहते हैं। इस परिभाषा को अपने को याद रखनी है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार पर नियंत्रण किया जाता है, उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। तथा इसका उदाहरण देगा 2,4-D, यानी इसे खरपतवार नाशी का नाम है 2,4-D। इसके बाद आगे वाला एक नेक्स्ट चरण आता है कटाई, फसल की कटाई। इसके बाद अपन पढ़ेंगे फसल की कटाई। खरपतवार के बाद फसल बड़ी हो जाती, फसल पक जाती, तो उसके बाद अपन फसल की कटाई करते हैं, मतलब कटाई करनी होती है। तो कटाई की परिभाषा लिख लेते हैं, फसल काटने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं, यानी
किसी भी फसल को काटते हैं उस प्रक्रिया को अपन कटाई कहते हैं। आजकल जो फसलों की जो अपन कटाई करते हैं तो विभिन्न प्रकार के, जैसे पहले तो अपनी परंपरागत तो अपन क्या उपकरणों के माध्यम से करते थे, और आज जो अपन जो फसल की कटाई करते तो मतलब मशीनों के माध्यम से करते हैं। बहुत सारी मशीनें ऐसी आ गई जो फसल को काट देती, बांध देती और उसको निकाल के अनाज को अलग कर देती और उसके चारे भूसे होते उसको अलग कर देती। यानी बहुत सारी चीजें इसको मतलब मशीनों से भी मतलब फसल की कटाई कर सकते हैं। तो मशीनों से अपन फसल की कटाई करते हैं उसे हार्वेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर बोलते हैं। आपकी बुक के अंदर भी बना हुआ है, देखो ये हार्वेस्टर फसल की जो कटाई का बना हुआ, देखो कॉम्बाइन और हार्वेस्टर। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि मशीन से या मशीनों से फसल की कटाई की जाती है। हार्वेस्टर कहते हैं। यानी जिस उपकरण से कटाई करते हैं उससे हार्वेस्टर कहते हैं। उसके बाद अपने को एक थ्रेसिंग की परिभाषा लिखनी। थ्रेसिंग क्या होता है? जब कटी हुई फसल से बीज दानों और भूसों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग ये परिभाषा पूछी हुई है। कटी हुई फसल से बीजों व दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। ये परिभाषा अपने को याद रखनी है। कटी हुई फसल कट जाती है, उसके बीज और दाने उसको भूसे से अलग करते हैं, इस प्रक्रिया को अपन थ्रेसिंग कहते हैं। इसके बाद फसल की कटाई हो जाती है। और प्राचीन समय में जो लोग होते हैं वो जो खेतों से जो फसल निकालते थे उस टाइम मशीनों का प्रचलन नहीं था, तो वो जो फसलों के मतलब फसलों से भूसे को अलग यानी दानों और बीजों को अलग करते थे, वो अपने हाथों से उसको फसल को कूट कूट करके अलग करते थे। इस प्रक्रिया को अपन फटक कहते थे। फटक, इसकी परिभाषा ये होती है, किसान फटक या क्वेश्चन में विनोइंग लिखना है। किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग उससे विनोइंग यानी अपन किसी फसल को अगर पटक कर या फटक कर उससे दाने और भूसे को अलग करते हैं, इस प्रक्रिया को फटक या विनोइंग कहते हैं। जब फसल से अपन कटाई करते हैं और इसके बाद अपने दाने और ये बीजों को अपन निकाल लेते हैं, यानी सीधी फसल अपने पास प्राप्त हो गई। उसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया होती है इसमें भंडारण, यानी अपन उसका स्टोर कहाँ पर करें किसी भी चीज में। तो स्टोर करने के लिए क्या होता है, आगे वाली प्रक्रिया है इसके बाद भंडारण।
भंडारण, फसल कटने के बाद अपन ने फसल को अगर उससे दाने और भूसे से अलग कर दिया, अपने पास अनाज प्राप्त हो गया, उसके बाद इसका अपन भंडारण कहाँ करते हैं? एक तो विभिन्न प्रकार की बोरियां होती है अपने पास, उनके अंदर अपन रख सकते हैं। और रखेंगे कैसे? जब भी अपन फसल को निकाल के लाते हैं तो उसमें नमी होती है, नमी यानी वो कुछ गीली होती है। फिर उसको अपने को क्या करना होता है कि धूप में थोड़े दिन सुखा के रखना पड़ता है। थोड़ी धूप देने से क्या उसकी नमी दूर हो जाती है। अगर नमी दूर नहीं होगी तो वो फसल वापस आकर अपन उसको कहीं बंद कमरे में या कहीं पर भी रख देंगे तो वो खराब होने लग जाएगी वापस। और फिर इसको एक और काम कर सकते हैं भंडारण करने के लिए, विभिन्न प्रकार की लोहे की बड़ी बड़ी कोठियां, ऐसे बहुत सारे टैंकर होते हैं जिसके अंदर अपने को इस फसल के बीजों को अपन सुरक्षित रख सकते हैं। और उसके अंदर अपन विभिन्न प्रकार की रासायनिक दवाएं डाल के रख सकते हैं। अगर अपन दवाई डालेंगे नहीं तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव लग जाएंगे जिससे कि वापस फसल खराब होने लग जाएगी। फसल को बचाने के लिए अपने को विभिन्न प्रकार का स्टोरेज करना होता है। इसके बाद ये चैप्टर अपना यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने PDF के माध्यम से पहले वर्कशीट में भेज दिए है। अगर कुछ रह गए होंगे तो उसको PDF के माध्यम से सेंड कर देंगे। और जो आगे वाला चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में अपन अध्ययन करेंगे। आज की क्लास के लिए बच्चों थैंक यू।